ये डेल इंस्पिरॉन 11 3000 सीरीज मिनी लैपटॉप है, टच वाला। इसमें प्रॉब्लम जो है, लैपटॉप ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं पुश कर रहा है। टू थ्री टाइम्स बीप साउंड आ रहा है, अभी चेक कर लेंगे इसको। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, टू टाइम बीप साउंड आ रहा है कंटिन्यू। ओके वाली रैम भी लगाने के बाद सेम इशू है ये, तो अभी इसको बायोस करके चेक करते हैं। ज्यादातर ओके रैम लगाने के बाद भी बीप अगर आ रहा है तो बायोस का ही हो सकता है प्रॉब्लम। 99% मेरे हिसाब से तो बायोस का ही हो सकता है। फर्स्ट जो है बायोस ही करके चेक करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी है चेक कर लेंगे मदरबोर्ड। तो इसका बायोस डाउनलोड किया हूँ मैं ऑलरेडी, रीप्रोग्राम करके चेक कर लेंगे।
बायोस प्रोग्राम हो चुका है, अभी इसको चेक कर लेंगे। डिस्प्ले आ गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस ही था इशू। कुछ वार्निंग आ रही है, डू यू वांट टू डिसेबल मेमोरी वाली। कुछ अडाप्टर की वार्निंग है, अडाप्टर मैच नहीं हो रहा है बोल के। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डिस्प्ले तो आ गया है, बैटरी कनेक्ट करके, हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा, बाकी सब तो परफेक्टली डिस्प्ले वर्क कर, परफेक्टली डिस्प्ले आ गया है, वर्क कर रहा है नॉर्मली। अभी इसको, इसमें हार्ड ड्राइव कनेक्ट नहीं है, बैटरी कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक है। हार्ड ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो विंडोज बूट हो जाएगा, वर्क करेगा इंशाल्लाह।